रिजा फरमाए इन औलिया उहू इल्लल मुत्तकू, इन औलिया उहू इल्लल मुत्तकू। अल्लाह ने फरमाया बंदिया रोजा रख मुत्तकी बन जावेगा। अर्ज की दिया लजे मुत्तकी बन जावा की देवेगा। अल्लाह फरमा इन औलिया इल्लल मुत्तकून। अल्लाह फरमांदा जड़े मुत्तकी ने ओई वली, जड़े मुत्तकी ने ओई वली ने। अल्लाह ने जदों वलियां दी कुरान च पहचान अता फरमाई, अल्लाह ने फरमाया अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून الذين آمنوا وكانوا يتقون। अल्लाह फरमांदा الذين آمنوا وكانوا يتقون। वलियों ने जेड़े ईमान दे बाद मुत्तकी होंदे ने। अल्लाह चाहंदा जेड़ा ईमान वाला होवे ओ मुत्तकी भी होवे, ओ परहेजगार भी होवे। ते परहेजगार कौन बनांदा है? रोजा। रोजा मुत्तकी बना दे। चलिया अल्लाह दा तेनू ते मैनू सिर्फ भुखा रखन दा प्रोग्राम नहीं, अल्लाह दा मैनू तेनू मुत्तकी बनाउण दा प्रोग्राम है। अल्लाह चाहता मेरा बंदा मुत्तकी ते परहेजगार बन जाए। रोजे आ रहे ने मैनू ते तुहानू मुत्तकी बनावण वास्ते। गिरामी कदर हजरात, ये सारिया इंशाअल्लाह चीज अजी चीजा मैं चंद लम्हे दे अंदर आप अहबाब दे गोश गुजार करना। याद रखिएगा रमजान रमजुन चो निकलिया है। रमजुन का माने जला देना, साड़ देना। रमजान शरीफ भी आ रहा है मेरे और तुहाड़े गुनाहों नु जलान वास्ते, साड़न वास्ते। और रोजा इन अरबी दे अंदर सौम किया जाता है। सौम का माने रुक जाना, ठहर जाना। पढ़ा कुरान। अल्लाह दी वलिया कामिला ते हजरत ईसा अलैहि सलाम दी अम्मी जान हजरत मरियम बतूल अलैहा सलाम, आप जदों हजरत ईसा नु गोद च उठा के बाद विच आईयां ना, ते लोगां ने पुछया मरियम ये बच्चा कौन है, तेरी ते शादी नहीं हुई ते पुत्र कित्थों आ गया। अल्लाह ने फरमा मरियम बोलना नहीं। उस वेले हजरत मरियम नो हुक्म होया कि बस इन्हां नाल एक गल कर। ओ गल की है? अल्लाह ने रिजा फरमा मरियम इन्हां लोगां नो कह दे इन्नी नजर तु लिर्रहमान सौमन फलन उकल्लिम अल्यौम इंसिया। आप फरमा दिया इन्नी नजर तु लिर्रहमान सौमन, मैं रहमान वास्ते रोजा रखे सौम। कादा रोजा की भूख नहीं, प्यास नहीं। फलन उकल्लिम अल्यौम इंसिया, अल्लाह फरमांदा किसे नु बुलाना नहीं, किसे ना बोलना नहीं। रुक जा बोलन तू। पता चलिया कि उस सौम दा माना रुक जाना, ठहर जाना। अल्लाह फरमांदा है ईमान वाले तेरे ते मैं सौम रोजा फर्ज कर दिता है, ठहर जा। या लका दे तू। अल्लाह फरमांदा खान तू भी, पीन तू भी, शहवत तू भी, बीवी तू भी, गुनाहों तू भी, झूठ तू रुक जा, गीबत तू रुक जा। अल्लाह फरमांदा रुक जा मेरे बदिया। पढ़ा कुरान। उच्चा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। पहले सुन लो कुरान चो रोजा है कि, फिर मैं इंशाल्लाह रोजेदार दी फजीलत अर्ज करना। अल्लाह ने जद ईमान वालों दी सिफतां कुरान च बयान फरमाईयां। अल्लाह ने रिजा फरमाया अत्ताइबून अलआबिदून अलहामिदून असाइहून अरराकिउन अस्साजिदून अलआमिरून बिलमारून। निरीक्षा फरमाया तौबा करने वाले, इबादत करने वाले। अल्लाह ने फरमाया हमदा बयान करने वाले असाई हो नर्रा क्यों। अल्लाह ने फरमाया रोजा रखने वाले, रुकू करने वाले। अल्लाह ने फरमाया सजदे करने वाले। अल्लाह मेरिया तेरिया सिफतां पे बयान कर दाए। नौजवान जदों इंसान रोजा रख लैंदा है, वो रोजा रख के हर लम्हा इबादत पे कर दाए, फिर वो रोजा रखने नाले इबादत भी कर दे, तौबा भी कर दाए, वो रुकू
भी कर दे, सजदे भी कर दे, अल्लाह दिया हमदा भी बयान कर दे। मौला अली फरमा दे ने रोजादार कितना हसी इबादत गुजार है, ए रोजा रख के सो जाते हैं, फरिश्ते ने किया लिख दे रहे। भाई बंदा सुता है इबादत कर सकता है? नहीं, एक ही रोजा है। ऐसी इबादत है रोजा रख के सो जा, सुत्ता भी इबादत गुजार है। सुत्ता है ते फरिश्ते नेकियां पे लिख दे। क्या लज्जत वाली इबादत है रोजा। अल्लाह ने फरमाया के रोजा रख, मैं तेनु मुत्तकी बना देवा। रोजा आ रहा मेरा ते तो हड़ा अल्लाह दे ना रिश्ता मजबूत कर, ताल्लुक बिल्लाह नु मजबूत करने वास्ते। अल्लाह ने ना ताल्लुक मजबूत करना होवे ते उदा तरीका की है, किस तरह हो सकदा है? इंसान दा अपने रब नाल राबता किवें हो सकदा है? ताल्लुक मजबूत किवें हो सकदा है? सुनिए, अल्लाह ने कुरान मजीद च इरशाद फरमाया के बंदे आ जे तू मेरे नाल ताल्लुक रखने ना, पहले खालिस हो जा। की हो जा? उच्चा बोलोगे? मैं आज प्रोग्राम जड़ा ए कर रहे हैं ना, जलसा जुमे दा, इवे थाड़ा रमजान शरीफ दा आज तरबीती प्रोग्राम, तरबीती प्रोग्राम। तो हाजरी ने मोती शम रोजा आ रहे हैं ताल्लुक बिल्लाह नु मजबूत करने वास्ते होना एदिया कुछ शर्ता ने। पहली शर्त की है बंदे दा रब ना ताल्लुक मजबूत किवे होंदा? जदों बंदा खालिस बंदा बन जाए, खलूस वाला, बदनीयता ना होवे, खोट ना होवे, प्योर बंदा, खालिस बंदा, ओ केड़ा होंदा है? पढ़िए कुरान। मैं तुहानू अल्लाह दे कुरब दीयां चंद शर्तां ते रोजे दी फजीलत अर्ज कर रहा। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता बंदे आज तू मेरे नाल ताल्लुक रखना ते राबता करना, पहली शर्त खालिस हो जा। अल्लाह ने रिजा फरमाया फाबुद अल्लाह, अल्लाह परमादा बंदे दीन अल खालिस आ जा। अल्लाह परमादा खालिस इबादत कर, अल्लाह परमादा इज इबादत करके खालिस इबादत आ जाए। नौजवानों खालिस इबादत केड़ी है? खालिस इबादत केड़ी है? हजरत मकफूफ रहमतुल्लाह अलैह जदू खलूस की तारीफ वल गए, आप रिजा परमादा ने खालिस बंदा ओ होंदा है अपने गुनामा नु भी इंज छुपावे जिमें नेकियां छुपांदा है, ते नेकियां नु भी इंज छुपावे जिमें गुनाह छुपांदा। जहरी इबादत ना करे, मैं बड़ा नमाजी हूं, मैं बड़ा हाजी हूं। बाद दफा इंसान इबादत भी इस खोट नल कर दे कि मैं बड़ा इबादत गुजार मशहूर हो जावा, है ना? मेरे नबी अकाले सलाम ने फरमाया कयामत का मैदान होवेगा ते एक शहीद अल्लाह दी बारगाह च पेश किया जाएगा जिन्हें अल्लाह दी बारगाह च जिहाद करके ते अपनी जान कुर्बान की होगी। अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करेगा या अल्लाह आज मेरा इनाम की है, मैं तेरी बारगाह विच आया अपनी जान कुर्बान करके। अल्लाह फरमावेगा तू की चाहना? वो कहेगा या अल्लाह मैं तेरी बारगाह दा कुर्ब चाहना। मेरे तेरे आका ने सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमावेगा ना दोजख च ले जाओ, है शहीद, है शहीद, मगर अल्लाह फरमा के ना दोजख च ले जाओ। या अल्लाह क्यों मैं ते शहीद होके आया, तेरी राज जान कुर्बान करके आया। अल्लाह फरमाएगा तू शहीद इस वास्ते निशा होया, तू ते इस वास्ते लड़न गया सा कि लोग तेनु बहादुर कहन। बड़ा बहादुर है, जंग करके आए, मुजाहिद है, फौजी है। अल्लाह फरमाएगा मैंने पता तू खालिस नहीं, खलूस वाला नहीं। अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते उन्हें दोजख खींच ले जाओ, है सही पर दोजख क्यों? खालिस नहीं, खालिस नहीं ना,
औलाद वाली ने फरमाया फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर एक सखी आवेगा अर्ज करेगा या अल्लाह बड़िया सखात करके आया अल्लाह फरमाएगा इन्हों भी दो दखे दिला जो अर्ज करेगा या अल्लाह सारी जिंदगी तेरी राज माल लुटांदा रहा अल्लाह फरमाएगा पता है पर तुम माहौल सबास्ते लुटांदा रहा है कि लोग तेनु सखी अखिया करन कि लोग कहन बंदा बड़ा सखी है अल्लाह फरमाएगा दो दखी जी चला जा तू खालिस नहीं नौजवान फिर इबादत गुजारे आ जाएगा अल्लाह फरमाएगा दो दखी जी ले जाओ बड़े इल्म वाला बड़ा मशहूर आलिम आ जाएगा अल्लाह फरमा के उस इलम वाले नु भी दोजख च ले जाओ अर्ज करेगा या अल्लाह मैं ते बड़ा इलम पढ़िया ते पढ़ाया अल्लाह फरमाएगा ना ना तेरी तमन्ना ऐसी लोग तेनु मौलवी साहब कहन हजरत साहब कहन हजूर कहन लोग तेनु इलम वाला कहन अल्लाह फरमाएगा दोजख च चला जा है ते इलम वाला पर खालिस नहीं नौजवानो फिर अल्लाह दी बारगाह च कारी आवेगा तेरे नबी ने फरमाया कारी अर्ज करेगा या अल्लाह सारी जिंदगी कुरान पढ़ता रहा पढ़े लहन दे नाल पढ़ी लहने दाऊदी नाल कुरान पढ़ता रहा सारी जिंदगी कुरान पढ़ता ते पढ़ांदा रहा अल्लाह फरमाएगा तो दख चले जाओ तू ते कुरान सबास ते पढ़ता रहा है कि लोग तेरे किरा दी तारीफ करन तेरी आवाज दी तारीफ करन लोग तेनु कारी साहब कहन अल्लाह फरमाएगा तो दख चले जाओ अर्ज करेगा या अल्लाह क्यों अल्लाह फरमाएगा तू खालिस नहीं तू खलूस वाला नहीं तेरे बाहू ने अंदर जमा फरमाया आ फरमाते ने तस्बीह पड़ी ते दिल ना फिरे आ तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरे आ की लाना तस्बीह पड़े के ऊंच ले कटे ते कुछ ना खटे ते की लाना चिलिया पड़े के ओ इलम पढ़िया पर अदब न सीखे की लेना इलम न पढ़े के ऊ जाग बिना तुझ जम देना पाओ पावे लाल हमने कड़ कड़े बोलो सुभान अल्लाह सारी रात दूध गर्म करके काट दे रहो ते लाल हो जाए दही बनेगा बाबा जी हजरत सुल्तान ए बहू रहमतुल्लाह अलैह दे गवांडी आए ते मैं शेर पढ़िया ते उन्हां नूं कदर आई है ना ते तुसां सुभान अल्लाह नहीं बोली उच्चा बोलो अजे रोजे नहीं आए अजे ते माशाल्लाह लंगर खा पी के आए उच्चा बोलो सुभान अल्लाह सारी रात दूध कड़दा रवे ते दही बनदा जाग नहीं लाई ना जाग नहीं लाई ते पीरे बाबू फरमाते ने चिल्ले भी कर ले तस्बीह भी पढ़ ली इलम भी पढ़ लिया जाग भी लिया क्याम भी कीता रुकू भी कीता सजदा भी कीता ते दूध ते काढ़ लिया ते खलूस दी जाग लाई नहीं आ परमाद ने जाग बिना दुध जमदे ना ही पावे लाल होवन कड़ कड़ के जिन्ना मर्दी दुध काढ़ी जा अमलां दा जे खलूस दी तू जाग ही नहीं लाई ते तेरे अमल कबूल नहीं है अल्लाह दे खुद बवास दे पहली शर्त एवे इबादत भी करे ते खालिस करे मुखलिस अल्लाह उद्दीन अगली गल करा खालिस पता केड़ी इबादत होंदी है सूफिया फरमांदे ने कि बंदा इबादत भी करदा होवे ते आ जेड़े मोढ़ियां ते फरिश्ते बैठे ना
इन्हों भी पता ना लगे। हजूर ने फरमाना सखावत इंज करके सज्जे हाथ नाल देवे ते खब्बे नो पता ही ना लगे। सुफिया फरमाते ने मियाने आशिको माशूक रमजेस किरामन काओ ते बीरा हम खबर नेस। आशिक ते माशूक अखा अखा च जेड़िया गल्लां कर लेंदे ने ना फरिश्तियां नूं भी खबर नहीं होंदी। इबादत इंज कर जिवें आशिक ते मशहूक गल्लां कर दे, इंज खालिस इबादत कर। बंदा नमाज पढ़दा है, हुण मैं ते तुसां जुमे दी नमाज पढ़नी है, दिल च कितना भी खुशू होवे खजू होवे मैं नमाज पढ़ना, तुसां सारे वेखना, तुसां पढ़ना मैं वेखना है खालिस, पर एक दूजे नूं वेख रहे हां। सब नु पता नमाजी है। मौलाना मोहम्मद बशीर साहब कोटलवी सुल्तानुल वाइजीन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, आप अपनी किताब च लिखते हैं कि ट्रेन च जो बंदे पे सफर करते सन ते एक ने दूसरे नु पुछा तेरा नाम की है, उन्होंने आख्या जी मेरा नाम है हाजी मिराजुद्दीन। उन्होंने आख्या तेरा नाम की है? उन्होंने आख्या मेरा नाम है नमाजी शबीर। उन्हें आख्या नमाजी शबीर की होता? उन्हें आख्या तू किन्ने हज किए? कहंदा एक। कहंदा तू एक हज करके नमाज हाजी हो सकना? मैं पांच पढ़ के नमाजी नहीं हो सकता? वो कोई मिराजुद्दीन सी ना, लाहौर का बड़ा मरूफ बंदा सी, हज करके एयरपोर्ट ते आया ते किसे आख्या मिराजुद्दीन ने मजिया वो मुबारक हो हज करके आया? उन्हें आख्या उलूदिया पटे हज करके आया? जब मैं मजे ही मैंने हज ही क्या करो? बंदा नमाज पढ़े सारे वेखते ने, हज करे जमाना वेख दे, जकात देवे कोई ना वेखे, जिन्हों दिती ओ ते वेख दे। पर जदों आई ना रोजे दी वारी, बोलो सुभान अल्लाह, बंदिया नमाज पढ़े जमाना वेखदा, हज करे जमाना वेखदा, हज भी तेरे वास्ते जकात भी तेरे वास्ते, पर जदों रोजे दी बारी आई अल्लाह ने फरमा सारिया इबादत मेरे वास्ते नहीं, पर सारिया इबादत करे तेनू जमाना वेखदा, पर जदों रोजा रखना ये तेरा ते मेरा राज है, या तू जानना या मैं। खालस इबादत है रोजा, बंदे ते रब दा राज है, या बंदा जानदा ते या ओ बोलो मोती अली सरकार है। ओ पिछले साल मैं एक बेली ने पूछा रोजे आज किनवा रोजा है? कहंदा पंजिया। मैं कह तेरा किनवा? कहंदा कोई भी ना। यानी के रोजा रखे या नहीं रखे किसे नु नहीं पता। बंदे दा ते रब दा राज है ना। अल्लाह फरमांदा जदों ए हो गई खालिस इबादत, रोजा बखावे ले नहीं। अल्लाह फरमांदा मेरे लिए, असौम ली, अल्लाह फरमांदा मेरे लिए। लोगों ने सजदे भी बुतों नूं कीते, लोगों नमाजा भी पढ़िया गैरे महबूद वास्ते, महबूदा ने बातिला वास्ते, लोगों ने चढ़ावे भी चढ़ाए थे, पढ़े खैरात भी की थी महबूदा ने बातिला वास्ते। एक रोजा ऐसी इबादत है अल्लाह तो सिवा किसे महबूद बातिल वास्ते नहीं रखा गया। एक रोजा जरा सिर्फ ईमान वाले रख देने अल्लाह वास्ते रख दे। ग्रामी कदर हदरात अल्लाह फरमाते जो है ही मेरे वास्ते पूछो तेरी तबीयत ठीक है? मैं सारिया तकरीर आ पर मैं किया जो तरबीती प्रोग्राम है ठीक है, तरबीयत कर रहे हैं अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह करे सारे हो जाए।
नमाजी आवेगा अल्लाह फरमाया 70 नमाजां दा सवाब दे दियो। हाजी आवेगा अल्लाह फरमाया नो हज दा सवाब दे दियो। फरिश्ते ओदी नियत दे मुताबिक तोल तोल के सवाब देणगे। जे तू सखी आवेगा अल्लाह फरमाएगा 1 रुपए दे बदले नो 70 दा सवाब दे दियो। फरिश्ते 70 गिन गिन के देणगे। जे तू रोजादार आवेगा रोजादार दे विचों हट जाओ, इनू अजर मैं देवांगा। या अल्लाह तू क्यों देवेगा? अल्लाह फरमांदा मैं अजर ही ना देना, गिनती मुक जानी। इस वास्ते अल्लाह फरमांदा फरिश्तो तुसी 10, 20, 70 अरब ते खरब ते गिन सकोगे, पर इहदा लामहदूद सवाब ओ देवेगा जिहड़ा बेहद ते बे ला शरीक जड़ा अज ओ सवाब देवेगा। गिरामी कदर हजरात पता लगे रोजा खालिस इबादत। अल्लाह दा कुरबान वास्ते पहली शर्त खालिस हो जा ते रोजा बंदे नु खालिस कर देंदा है। खलूस वाला अगली गल करिए। अल्लाह दा कुरबान पान वास्ते दूसरी शर्त के अल्लाह दे उते बंदे दा ईमान होवे ते बिल गैब होवे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन वो होंदा जिहड़ा गैब ते ईमान ले आवे। गैब ते ईमान ले आवे। जो रोजादार रोजा रख दे ना, 7 साल दे बच्चे भी रोजा रखना इंशाल्लाह, ते 90 साल दे बाबे ने भी, जवान भी सारे रखोगे ना, नियत करो इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देवेगा। जो 7 साल का बच्चा भी रोजा रख लवे ते 90 साल का बाबा भी रोजा रख लवे, कितनी गर्मी दे दिन आ गए, प्यास ना होंठ खुश्क हो रहे। किसी बुजुर्ग नो एक कमरे च ते किसी बच्चे नो छोटे नो एक कमरे च लैके असर तो बाद रमजान शरीफ च ठंडे पानी दा शरबत रख के, फ्रूट सैलड रख के, तरह तरह दे लजीज खाने सजा के खुशबूदार, ते निके जे बच्चे नो आखियो बच्चा कोई नहीं पिया वेखदा, खा ले पानी पी ले, ते बच्चा भी कहेगा नहीं नहीं मेरा रोजा है, ते बाबा भी की कहेगा मेरा बोलो मेरा रोजा है, ते आखे कोई नहीं वेखदा खा ले, ते बच्चा ते बुड्ढा की आखेगा कोई नहीं वेखदा मेरा अल्लाह पिया वेखदा। हो गया ना ईमान रब दी जात ते बिल गैब। उन्हें पता चल गया रोजादार नो के कोई ना वेखे अल्लाह पिया। अच्छा जिदा ईमान है बोले कोई ना वेखे अल्लाह पिया, फिर बोले जे अल्लाह पिया। आज जरा हुन मैं जुमला बोले अल्लाह पिया वेखदा है, पढ़ा कुरान सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। मैं नाल ना तुहानू कुरान नाल ना तुहानू तरबीती प्रोग्राम सुनाई जा रहा। अल्लाह ने रिजा फरमाया आईना मा तुबल्लो फसम्मा वजुहुल्ला, परवरदिगार ने फरमाया जिधर भी वेखे अल्लाह दा चेहरा हर पासे वे। अल्लाह ने कुरान मजीद च रिजा फरमाया वहु माकुम आईना मा कुंतुम, अल्लाह ने फरमाया तू जिथे भी जाओ है अल्लाह तेरे नाल, जिथे भी टुर जाओ अल्लाह तुहाडे नाल। अल्लाह दी अख कुदरती तेनु पई वेखदी आई। नौजवानों कोई पीर साहब दे कोल मुरीद आई, उन्हें अर्ज कीती बाबा जी मुरीद बना लो। बुजुर्गां ने फरमाया मुरीद उन्हों बनावांगा, जाओ अपने अपने हिस्से दी एक मुर्गी नु ज़बह करके आओ। ये ज़बह उठे करके आया जे किथे किसे दी नजर ना पवे, सारे मुरीद मुर्गियां ज़बह करके ले आए, एक जिंदा ही ले आया। आपने फरमाया ये किथे ज़बह करके आयो? किसे ने आख्या मैं दीवार दे ओले होके इन ज़बह करके आया, किसे ने आख्या कमरे च ज़बह करके आया, किसे आख्या मैं कार च ज़बह करके आया। वो जेड़ा जिंदा ही ले आया पूछे तू क्यों नहीं ज़बह किया? कहन लगा मैं जिधर भी जाता सा अल्लाह पिया वेखदा अल्लाह वेखदा।
पता चलिया तेनो रोजा आ सिखान आ रहा यूमिनून बिल गईब। चलिए बाबा बुल्ले शाह दे दरबार से। वैसे मैं को नीयत होर लेके आया सा पर तुहाडी नीयत मैनू कुछ होर लगदी है भाई। होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। एक बारी सुभान अल्लाह क्या एक दरख्त लगदा जन्नत च। आज जुमा पढ़ के घर जाओ तो पूरा पूरा बाग जन्नत च लगा होए। हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने आ तर्जमा किया। ए ओ बाबा है जेड़ा मारिफती दुनिया दा इमाम ते आशिकां दा इमाम है। अकीदा वहदतुल वजूद दा सरदार शरह आदम है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह कसूरी ने सुरंग नु जे पेश फरमाया आ फरमाते ने जे मैं तैनू बाहर ढूंढावां मेरे अंदर कौन समाना जे मैं तैनू अंदर ढूंढावां फेर मुकैद जाना सब विच तू है सब कुछ तू है सब थी पाक पछाना मैं भी तू है तू भी तू है बिच बुला कौन निमाना। आखो सुभान अल्लाह। मैं भी तू है ते तू भी तू है विच बुल्ला कौन ने माना। पता चलिया अल्लाह हर जगह वेखदे रोजा मैनू ते तुहानू आई सिखान आ रहे के बंदिया याद रखी कोई नहीं वेखदा अल्लाह पिया वेखदा है। सारा साल एक महीना पक्का नियत कर ले कि मैं ये तसव्वुर करना है कि मेरा अल्लाह प्या वेखदा है। 11 महीने फिर आई सबक तेनू याद रवे कोई नहीं प्या वेखदा मेरा अल्लाह प्या वेखदा है। इंसान दा नफ्स बड़ा जालिम है। लोगों के सामने इबादत करनी पै जाए ना बड़ा राजी होके कर दे वह भी आखेगा वह भी कहेगा वह भी लोगों को दसेगा तस्बीह बड़ी पढ़ता है ये वजीफे बड़े करता है ये नमाजा बड़िया पढ़ता है। मगर जब कल्या रात में बैठ के इबादत करनी पवे ना फिर नहीं राजी आता फिर थपकियां दे के सुलांदा सो जा केड़ा कोई पे वेखद पता चलिया कि नेक वह नहीं होंदा सिर्फ जेड़ा लोगों च बैठा नेक होवे नेक वह होंदा जेड़ा कल्ला बैठा भी नेक ही होवे। अल्लाह ने रोजा तेरे ते मेरे फर्ज किया अपना कुर्ब तेन ते मेनू देवन वास्ते। अल्लाह फरमाते पहले खालिस हो जा फिर ईमान बिल गैब लेके आ। मौला अली फरमाते ने जे अल्लाह दा इस उम्मत नु दोज़ख च भेजन दा प्रोग्राम हुंदा ते अल्लाह इस उम्मत नु कदे रमजान शरीफ दा महीना अता ना करदा। रमजान शरीफ अता करके अल्लाह ने दस दिता मेनू तेरा दोज़ख च भेजन दा प्रोग्राम ही कोई नहीं। ए वखरी गल है तू आप भज भज दोज़ख वल जावे पर रब दा तेनू दोज़ख च भेजन दा कोई प्रोग्राम नहीं। रोजादार जदों रोजा रखदा नाले फिरदा टुरदा भी लोगां नूं दसना चाहुंदा है ते ए ही रब दी बारगाह च अर्ज़ करदा है तजल्ला तेरी ज़ात का सुबसू है तजल्ला तेरी ज़ात का सुबसू है तजल्ला तेरी ज़ात जिधर देखता हूँ उधर तू ही तो है जिधर देखता हूँ। अख बंद करके जरा अफतारी दा वेला याद करो प्यास भी लगी है खाना भी सामने पानी भी सामने ना खांदा है ना पींदा क्यों अजे मगरब नहीं हुई अजे
सूरज नहीं ना डुबा ते रोजादार की कहंदा जिधर देखता रोजा तो पहले सबक याद कर लो जिधर देखता उधर तू ही तू है जिधर देखता ईमान वाले तेरी खालस होन दी निशानी है वे कि तू ए हर वेले याद रखे जिधर देखता मिलके पढ़ो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है जुलेखा हजरत यूसुफ नो सातवीं कोठड़ी चला गई ताले सात लगा दे ते सातवें कमरे च जाके ना ते जुलेखा ने दुपट्टा उतारिया ते दुपट्टा उतार के ते कह लगी कौलत है ही तलक यूसुफ जल्दी कर मेरी मिल्लत नौजवान सतवां कमरा होवे सत ताले लगे अमन कोठड़ी होवे नौजवान लड़की होवे होवे भी मलका दौलत वाली ते धरती ते उदे जड़ी हसी औरत भी कोई ना होवे ते सामने मर्द ओ होवे जेड़ा नौजवान भी होवे ते कायनात एडा सोहना भी कोई ना होवे होवे भी जवान ते औरत दुपट्टा उतार के ते आखे कालत है ता लक वे यूसुफ जल्दी कर उस नौजवान दी पकीज़गी तू सदके जावा जिन्हें आख्या काल माज अल्लाह फरमाया अल्लाह दी पना अल्लाह दी पना सुलेखा ने जरा वाला दुपट्टा उतार के सटिया मुफसरीन फरमाते ने ओदे कमरे च ओदा पुत्त आई उस पुत्त ते जाके चेहरे ते दुपट्टा गिर गया हजरत यूसुफ ने फरमाया सुलेखा ए पुत्त ते चेहरे ते कपड़ा क्यों दिताई कहन लगी मैं गुनाह करन लगी हां ए मेरा रब है तद पता ओदे चेहरे ते दिता मैनू वेखे ना हजरत यूसुफ दी अखां च अथरू आए फरमान लगे जुलेखा तेरा रब नहीं पिया वेखदा मेरा प्या आई रोजा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह कोई नहीं वेखदा मेरा अल्लाह प्या हुन पढ़ोगे सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए तजल्ला तेरी जात कासों पसों है जिधर देखता हूँ इंज नहीं हाथ खड़े करके मेरे नाल लड़ा के सबा भी गवाही दे के जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है जिधर देखता हूँ मैं नहीं तुझे पढ़ना जिधर देख तेनो रोजा दसने आ रहा है आज मैं रोजे च रोजा नहीं तोड़दा मेरा अल्लाह पे वेख दे यारा महीने गुनाह कर दिया भी तेनो ख्याल आवे तेनो मोबाइल यूज कर दिया भी ख्याल आवे तेनो नमाज छड़ दिया ख्याल आवे तेनो जकात ना दे लगिया भी ख्याल आ जाए तेनो गुनाह दे करीब जांदिया भी ख्याल आए तेनो गाने सुन दिया भी ख्याल आ जाए कोई नहीं पिया वेखदा मेरा अल्लाह पिया वेखदा है नौजवान नेको होंदा है तिदियां तनहाइयां भी पकी जाए हो जान रोजा तेनो दसना चाहदा है पंगिया सुता भी रवे ते पकीजा होके सोया कर ख्याल रख के सोया कर मेरा अल्लाह पिया वेखदा है ताई बाबा फरीद गंजे शकर फरमांदे ने मारफतियां अदियां मंजिलां सारियां इबादतां नाल तय हुंदियां ने ते मारफतियां अदियां मंजिलां रोजे नाल तय हुंदियां मारफतियां अदियां मंजिलां सारियां इबादतां करदे ते अदियां मंजिलां सिर्फ रोजे नाल तय हो जांदियां ने तो गिरामी कदर अल्लाह ना ताल्लुक मजबूत करना है ते पहला केड़ा सबक है खालिस हो जा केड़ा सारे बोलो केड़ा दुरंगी छोड़ यक रंग हो जा सरासर मोम या संग हो जा पहला सबक ही है भाई सारे बोलो पहला सबक ही है खालिस हो जाते दूसरा सबक ही है ईमान बिल गैब कोई नहीं वेखदा फिर बोले कोई नहीं वेखदा
बोलिया कोई नहीं वेखदा अल्लाह पिया वेखदा है। हुन अगली गल करा सुभान अल्लाह। महमूद गजनवी बादशाह एक दिन अपने तख्त पे बैठा थे हीरे कीमती ए इस तरह करके फरिश्ते सटे वज़ारा बैठे बड़े बड़े अमीर बैठे पर हीरे बड़े कीमती सन। महमूद गजनवी ने हीरे सट के ना थे आप फरमाते ने जेड़ा जिन्नो पकड़ लवे ओ ओदा जेड़ा जिन्नो पकड़ लवे ओ वजीरा दिया दौड़ा लगे किसे एक किसे दो किसे तीन हीरे पकड़ ले। अयाज करीब खड़ा से महमूद दा वजीर ए महमूद ओदा आशिक है ते ओ एदा आशिक है। अयाज इत्थे कंधे ते खलोता ते उन्हें ऐसा करके ना ते महमूद दे कंधे ते हाथ रख लिया। महमूद अंज वेख के कह लगा अयाज जा हीरे चुन जेड़ा जिदे ते हाथ रख देवे ते जिन्नू फड़ लवे ओ ओदा। अयाज रो पिया ते कहन लगा सोने जिन्हां नूं हीरियां दी लोड़ है ओ हीरे पे चुणदे ने मैनूं हीरियां वाला चाहीदा है मैनूं तू चाहीदा उन्हां नूं एक दो हीरियां दी लोड़ है तू मेरा हो गया ते सारा खजाना ही मेरा है। अल्लाह फरमांदा असौम ली व अना उजज़ा बिही अजज़ीब ही भी पढ़िया जांदा ते उजज़ा बिही जदो अजज़ीब ही होवे ते इहदा तर्जमा इह बनदा कि अल्लाह फरमांदा रोज़ा मेरे वास्ते वे ते इहदी जज़ा भी मैं देवांगा पर जदो उजज़ा बिही पढ़िए ते इहदा तर्जमा इह बन जांदा अल्लाह फरमांदा रोज़ा मेरे वास्ते वे ते इहदी जज़ा भी मैं वां इहदी जज़ा भी मैं वां ते जे रब ही तेरा हो जाए ते जे सोने दा हो गयो ते समझ सारी कायनात ही तेरी हो गई। घर सारे रब दे ने अब मस्जिद भी अल्लाह दा घर है ते जेड़ा मेरा घर है अल्लाह दा नहीं अल्लाह दा ही है ना तो हाड़ा घर अल्लाह दा नहीं अल्लाह दा ही है ना पर जदो आई ना काबे दीवारी ते इको घर है जिन्हों अल्लाह ने फरमाया बैतुल्ला फरमाया अल्लाह दा घर अर्ज की थी घर ते तेरे सारे ने पर इन्हों क्यों फरमाया मेरा है। अल्लाह फरमा दुनिया नु दसना चाहना जड़ा मेरा हो जाए फिर जागो नु वेख नहीं आउंदा। अल्लाह फरमांदा तू मेरा हो के ते वेख कदे मेरा ते हो के वेख सारे जग नु तेरा कर देवांगा। तो गिरामी कदर हजरात जदो आई ना रोजे दी वारी ते अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए मेरा है मेरा है मेरा है इहदा अजर भी मैं देवांगा ए मेरा है ते इहदी जज़ा भी मैं ही हां। गिरामी कदर हजरात आओ आखिरी एक मैं तरबियती प्रोग्राम दे तहत एक अर्ज करा बाद नौजवानों के ज़हन च बुजुर्गों के ज़हन च भी लोगों के ज़हन च ख्याल होता वो कहते मैं रोजा रखा ना खबरे कमजोरी आ जाए तबीयत खराब हो जाए कई बेली ने उन्होंने मेदे परसों के खराब हो गए उन्हें रोजे नहीं ना रखने तो पहले ही शुरू हो गए कहना मेरा मेदा बड़ा खराब है पर तेन फरमान सुनावा नबी करीम का उस हकीम का जो कायनात के हकीम है मुतलक का बनाया होया हकीम है मैं तेनों उस हकीम दा फरमान सुनावा जिदे जिया हकीम कायनात ने वेखे आई नहीं लुकमान वर्गा हकीम भी जिदे दरे दौलत पानी भरे मैं उस हकीम में मुतलक दे रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अकदस च तुहानूं तसव्वुर चलाया चला मेरे नबी ने फरमाया सूमू तसिहू हजूर ने फरमाया रोजा रखो सेहत पाओ रोजा रखो सारे बोलो रोजा रखो फिर बोलिया जे रोजा रखो सेहत पाओ हकीम को ले जाइए तो पता की कहंदा नबा चेक करके कहंदा दवाई फिर देवांगा जे परहेज करें है ना ते जे परहेज नहीं करना ते मेरी दवाई दा फायदा कोई नहीं। उन्हें पूछी हकीम साहब परहेज की है तो कहंदा मैं तेरी नबा चेक की थी है जे तू गोश्त खादा ना तेरा बीपी हाई होगा ये तो दाल खादी ना ते मुमकिन है कि तेरे गुर्दे च पत्थरी बन जावे। उन पूछी दा हकीम साहब फिर की खाइए वो कहंदा तेनू आ भी परहेज है चाय भी नहीं पीनी तू आ कावा पीना ते आ चीज नहीं खानी आ खानी ते आ नहीं खानी हकीम दसदा बंदिया पेट भुखा रख ठीक हो जाएगा तेरे ते मेरे नबी ने भी आ इरशाद फरमाया हजूर ने फरमाया ते आज ते मेडिकल साइंस भी मान गई अंग्रेजा ने किताबा रोदे ते लिखिया ने वो कहंदे ने जेड़ा बंदा नहीं ठीक होंदा वो इस्लाम दे तहत पूरा महीना रोजे रखे ओदी हर बीमारी ठीक हो जावेगी रोजा रखे पेट नो देवे रेस्ट
मेदे नो दे रेस्ट ठीक हो जावेगा। आ जेड़े बंदे तन परवर ने ना जेड़े बस तन पाली जा रहे रूह नहीं पाल दे, याद रखिएगा इल्मुल अबदान ते इल्मुल बलदान दो इल्म ने, एक बलदान ते एक इल्मुल अबदान, एक बदन दा इल्म है ते एक शहरां दा इल्म है, दो इल्म ने। गल सुनावा तुसी सुभान अल्लाह ने बोल दे मेरा दिल टूट जांदा है। एक ईसाई हकीम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आया, कहने लगा अल इल्म इल्मानी, इल्म दो ही ने, इल्मुल अदियानी व इल्मुल अबदाने, दीन दा इल्म ते बदन दा इल्म, ते तुहाडे मजहब दे अंदर दीन दा इल्म ते बड़ा, ते कुरान च दीन दा इल्म ते बड़ा, बदन दा इल्म कोई नहीं, इल्मुल अबदान कोई नहीं। आपने फरमाया तू कुरान पढ़िया, कहंदा सारा पढ़िया। आपने फरमाया तू पूरे कुरान दी गल करना है, फरमाया पूरा कुरान नहीं, एक सिपारा भी नहीं, एक रुकू भी नहीं, एक आयत भी नहीं। आप फरमाते हैं कुरान दे तीन, सिर्फ तीन अल्फाज दे विच पूरा इल्मुल इल्मुल अबदान है। उन्हें पूछा वो तीन लफ्ज़ केड़े ने, फरमाया मेरा रब कुरान च फरमांदा कुलू वशरबू वला तुसरिफू। अल्लाह फरमांदा खाओ पियो वला तुसरिफू, जाया ना करो। आपने फरमाया तिन्ना लफ्जा च अल्लाह ने पूरा इल्मुल अबदान बयान किया है। क्या लगा कि में आपने फरमाया एक रब के अंदर खाओ, फिर रब के अंदर पियो, तीसरा रब का फरमांदा सरफा ना करो, जाया ना करो। अल्लाह फरमांदा पेट भर के ना खा के खबरे आज खा ले ते कल नहीं मिलना, जिन्हें तेन सुबह देता है तेन दोपहर वेले भी देगा, जेड़ा दोपहर वेले देता तेन शाम वेले भी देगा। अल्लाह परमादा ना ना पेट इना ना भर के हो रहे अगले वेले मिलना ही नहीं, नहीं नहीं नहीं। वो कहन लगा ए ते हो गया ते तुहाडे नबी ने कोई इल्मुल अबदान दे मुतल्लक गल नहीं की थी, हदीस भी कोई सुना दे। आपने फरमाया तेरे मेरे आका अलैहि सलातु व सलाम ने इरशाद फरमाया है, सरकार फरमाते ने कोई बर्तन भरना एडा बुरा नहीं जिडा पेट दा बर्तन भरना बुरा है। आज तू बाद मैं हिकमत दी दुकान मदीने खोलन लगाऊं, मदीने च इलाज करवा वास्ते जिन्नू लोड होवे मेरे हिकमत खाने आ जाए, वो मेरे दुकान ते आ जाए, मैं ओदा मुफ्त इलाज करा दऊं। नौजवान एक दिन गुजरिया, हफ्ता गुजरिया, महीना गुजरिया, कई महीने गुजर गए, वो हकीम मेरे नबी दी बारगाह ते आया, कहन लगा कमली वाले लोगों ने आखो मैं पैसे नहीं लेने, मेरे को दवाई लैन आओ। हजूर ने फरमाया कोई मरीज नहीं आया, कह लगा इन्हें महीने गुजर गए ना कोई मरीज आया ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया फरमाया साडे मदीने कोई बीमार होता ही साडे मदीने कोई बीमार होता ही नहीं। उन्हें पूछा वजह की है, मेरे आका ने फरमाया दिया दो वजह ने, फरमाया पहली वजह है जब तक भूख शदीद ना हो जाए ये खाना शुरू ही नहीं कर दे, ते जब खाना शुरू कर देने अजे भूख बाकी होती है ये थोड़ा जहा पेट खाली रह जाता खाना छोड़ दे देने। वो हकीम अपनी गठड़ी चुके तुर पया, कह लगा कमली वाले जद तक दो गल्लां ते अमल करते रहेंगे इन्हें बीमार होना ही। चलिया पेट भर के लोग बीमार होते हैं, बहुते बहुता खा के मरते ने, भुखा कदे को मरिया ही नहीं, बहुते बहुता खा के मरते। फिर हकीम नु दसना पैंदा हुण थोड़ा खा, फिर डॉक्टर नु परहेज दसना पैंदा है। तो जेड़ा ओ हकीम है मुतलक है ना, उन्हें दिने तेरा वजूद बनाया है,
उन पता तेन जरूरत केड़ी चीज दी उन्हें फरमा 11 महीने खा पी एक महीना हुन बदन नु रेस्ट दे बोलोगे सुभान अल्लाह हुन मैदे नु सुबह तो लेके शाम तक रेस्ट दे तेरा बदन ठीक होवे खिजा आउंदी है ते पत्ते झड़ जांदे ना ते जदों आउंदी है ना बहार फिर नवे नवे पत्ते खिलदे ने ते बारिश हुंदी है जदों दरख्त धुलदे ने इंसान नु बहार दा मौसम कितना सोहना लगदा जिधर जांदा सबजा ही सबजा नजर आउंदा है ना पता चलिया के नवे पत्ते उगन वास्ते पुराने दा झड़ना जरूरी है अज जदों तू रोजा रखना तेरा चेहरा मुरझा नहीं जांदा ते जिस दिन आउंदी है ना ईद इंज खिले आउंदे ने जिवें गुलाब दा फुल आउंदा है इस वास्ते रब रोजे फर्ज कीते ने पुराने पत्ते झड़ जान ईद वाले दिन फिर बहार दा मौसम आउंदा ते आ गुलाब दी चरण चेहरे निखर जांदे ने तो यार खन नहीं आ रहे तेरे ते मेरे वास्ते बहुत बड़ी दवाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु दवाइल अज़म मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन दवा भूखा रहना ते हुजूर ने फरमाया लिकुल शैइन ज़कातुन व ज़कातुल बलदानी व का ज़कातुल अबदानी सौम फरमाया हर चीज दी कोई ना कोई ज़कात होती है जिस्म दी ज़कात रोज़ा है जिस्म दी ज़कात रोज़ा है ते हुजूर ने फरमाया बेहतरीन दवाई की है भूखा रहना तो लिहाजा ये रोज़े मैनू तुहानू भुखा रखने वास्ते नहीं आ रहे ये आ रहे ने मेरी तेरी दवाई बन के ये आ रहे ने तेरा ते मेरा अल्लाह ने रिश्ता मजबूत करने वास्ते रोजे का महीना आ रहे मैनू तो तेनू नूर अला नूर जाहिर ते बातें तो करने वास्ते लिहाजा आज तो तैयारी कर लो अपने बच्चों आज शाम नो बिठाओ अहले खाना नो बिठाओ आज ते जुमे दी तकरीर सुनाओ।